अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे कपास की इब्तदाई मरहले के ऊपर आने वाले दो बड़े मसलों के ऊपर। बिकॉज नो द फार्मर्स आर सोइंग देयर कॉटन क्रॉप एंड इन दिस सिचुएशन ही इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। If you will talk about the nutrients, if you will talk about the seed treatment, good seed and advanced varieties, all these factors are trying to fulfill in order to enhance the production of per acre by the farmer. Dosto, zimindar hazrat is waqt kapas ki fasal ka bharpoor tarike se bijai ke tamam awamal ko brue ka la raha hai, lekin iske bawajood is situation ke andar do bade masle jo hai na wo aajkal field mein nazar aa rahe hain. Number 1 jo hai wo dosto ye hai ke aksar zimindaron ki fasal mein pauda एक उंगली या डेढ़ उंगली या एक हाथ के बराबर होता है, उसके बाद अचानक मुरझा जाता है और फिर खुश्क हो जाता है। दोस्तों अक्सर ये फंगस के अटैक की वजह से होता है, जिसमें पानी ज़्यादा चढ़ जाता है और एक फंगस एक्टिव होती है और उससे एक बीमारी प्रोड्यूस होती है जिसको हम डाई बैक बोलते हैं। तो दूसरा, जो डाई बैक की वजह से बहुत सारे नागे बन सकते हैं और ये अक्सर डाई बैक की जो डिज़ीज़ है ये आपको पूरे का पूरा सियाड़ जिसको बोलते हैं पूरी की पूरी रॉ जो है वो भी डिस्टर्ब कर सकता है, ख़ास तौर पर द अनहेल्थी। दोस्तों ब्रोकन सीड, अनहेल्थी, डैमेज्ड आर यू कैन से डिजीज सीड, दे आर मोर वल्नरेबल ड्यू टू द अटैक ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज़ बिकॉज ऑफ द फंगस। दोस्तों ये फंगस की बीमारी है जो कि मुतासरा बीज की वजह से फैलती है, इसमें सीड ट्रीटमेंट का बड़ा अमल दखल है। अगली बात दोस्तों, दूसरा जो बड़ा मसला आजकल खेतों के अंदर आ रहा है वो ये है कि पौधा सेहतमंद होता है, ठीक ठाक बड़ा होता है, लेकिन अचानक जो है वो आधा जो है 3-4 इंच के बाद अचानक जो है वो पौधा खुश्क हो जाता है। अगर आप उसकी जड़ को उखाड़ के देखें तो दोस्तों डाई बैक की सिचुएशन में तो जड़ सही सलामत होगी, लेकिन वहाँ पर अपीरेंस आपको नज़र आएगी फंगस की वजह से, रॉटनिंग भी हो सकती है कुछ और भी, लेकिन जो है इस सिचुएशन के अंदर आपको जड़ खाई हुई नज़र आएगी। दैट इज़ ओनली ड्यू टू द अटैक ऑफ अ सर्टन पेस्ट विच इज़ नोन एज द टर्माइट। वाइट एंट्स जो हैं दोस्तों टर्माइट के अटैक की वजह से बाद अवकात पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और ये पैचेस में आपको नज़र आएंगे, ख़ास तौर पर सैंडी सॉइल्स के अंदर या उन सॉइल्स के अंदर जहाँ पर कच्चा गोबर इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की मैंने इंडिकेशन देनी थी दो बीमारियों के, दो मसलों के मतलब, तो एक कीड़े की वजह से और एक फंगस की वजह से, तो दोनों का इलाज वो भी आपके सामने डिस्कस कर ही लेते हैं। दोस्तों जो तो है सर दोस्तों डाई बैक, उसके लिए आप सूटेबल फंजीसाइड अक्सर जो है वो थायोफेनेट इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और भी आ गई हैं मार्केट के अंदर, आप उनको भी आजमा सकते हैं, लेकिन थायोफेनेट का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेहतरीन उसका हल ये है कि वो आप इक्टारा के साथ उसको सीड ट्रीटमेंट उसकी करके फिर सो करें, उससे इंशाल्लाह बड़े अच्छे पाए जाएंगे। दूसरा है दोस्तों टमाइट्स, तो वाइट एंट्स जो हैं ये मैंने आपको बताया कच्चे गोबर की वजह से, वहाँ पर जो है वो कच्ची लकड़ी पड़े, क्योंकि दे नीड सेलुलोज, इनके जिस्म के अंदर सेलुलेज एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज को हज़म करने के लिए सक्रीट करता है केमिकल्स। तो दोस्तों ये लकड़ी को जूद हज़म है, ये लकड़ी जो है पसंद करती हैं, तो इस वजह से ये जड़ों को खाकर पौधों को खुश कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, ज़ाया कर देती हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए दोस्तों अगर आप क्लोरपाइरीफॉस फ्लड करेंगे दे कैन मैनेज इट, अदरवाइज दोस्तों कुछ लोग अमीडा क्लोपरेट भी फ्लड करवा रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों फेप्रोनल फ्लड करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लोरपाइरीफॉस और अगर क्लोरपाइरीफॉस एक्स्ट्रा लेंगे जो कि इन द फॉर्म ऑफ टीना केल जो है ना स्टैटिक कंपनी की है, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो नतायज जो है वो भरपूर मिलेंगे आपको। बात लंबी हो रही दोस्तों, आज के ये दो मसले यहीं तक। दोस्तों मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। रोक लेती है आपकी निस्बात, तीर जितने भी हम अंकल मेरे पैसे पैसे, ओए कौन से पैसे है? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल। ओए चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है, हमने तो छीनी है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, क्या सही नहीं कर रहे हैं, जा जाके अपने बाप को बुला लो।
एक सहारा ना मेरा बाप है ना मेरी लगाएगा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौला ना मुहम्मदिन।